नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय महाराज, बीएम कुकिंग्स में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम बनाएंगे सांभर। जैन रहेगी हमारी, बिना लहसुन प्याज की रहेगी। तो उसके लिए हमने कुछ सामान लिया है, और तुअर दाल लिया हमने, अरहर की दाल जिसको अरहर की दाल बोलते हैं, वो हमने बॉयल कर लिया था। बॉयल करके एक कटोरी से दो कटोरी जितना होएगा। और ये सरगवासी, आप क्या बोलते हैं उसको अपनी भाषा में, ये रहता है, इसको हमने ऐसे कट करके छील लिया है। ऐसे ये सब पीस छील लिए थे, और थोड़ी सी लौकी लिया है दूधी, उसको छील के थोड़ा कटिंग, इतना बड़ा बड़ा कटिंग कर लिया है। और थोड़ा सा लिया है टंडोड़ा, ये टोंडली बोलते हैं उसको, ऐसा कटिंग कर लिया है इसको। ये ऑप्शनल है, आप इसमें वो दूसरा आइटम आपको जो पसंद है वो डाल सकते हो। और थोड़ा सा टमाटर, एक टमाटर पीसा हमने, एक टमाटर पीस के लिया है। गैस चालू करते हैं। थोड़ा सा डालेंगे इसमें तेल, अभी हमारा तेल गरम हो गया है। इसमें डालेंगे थोड़ी राई, सरसों, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा करी पत्ता, और डाल देंगे ये टिंडोड़ा, और ये सब्जियां जो हमारी थी वो सब डाल देंगे इसमें। सब्जी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। थोड़ा इनको सिकने देंगे सब्जियों को। इसमें थोड़ा सा डाल देंगे नमक। नमक से क्या है, हमारी सब्जियां जल्दी गल जाती हैं, जल्दी पकती हैं, तो थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे। और ऊपर से चेक करके ऊपर से बाद में डालेंगे, अभी अगर ज़रूरत पड़े तो डालें नमक, नहीं तो इसमें ही हो जाएगा। नमक हमने पहले इसलिए डाला क्योंकि हमारी सब्जियां जल्दी पक जाएंगी। अब इसमें डाल देंगे टमाटर जो पीस कर रखा था। टमाटर आप अपने हिसाब से थोड़ा खट्टा कैसा खाते हो उस हिसाब से थोड़ा बढ़ा सकते हो। और सब्जियां हमने ज़्यादा लिया है, आप थोड़ा कम भी कर सकते हो सब्जियां इसमें। अभी इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और एक चम्मच मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा से डालेंगे, और थोड़ी सी डालेंगे इसमें ये सांभर मसाला, हमने अभी एक चम्मच दिया है सांभर मसाला, थोड़ा सा ऊपर से बाद में डालेंगे। और अभी इसमें डाल देंगे ये उड़द की, तुअर की दाल, अरहर की दाल। अभी हमारा गाढ़ा है तो थोड़ा इसमें डाल देंगे पानी। थोड़ा आप, ये हमारा पतला हो गया, थोड़ा सा इसमें दाल और डाल देंगे, और इसको थोड़ी देर 5 मिनट ढक के पकाएंगे। और ये हमारी सांभर एकदम रेडी है, एकदम देखो घट हो गया। आप नमक मिर्ची इसमें देख लें, खटास थोड़ा सा, और ये सब्जियां ऐसे पकड़ के देखें हमारी गल गई हैं, तो हमारी सब्जी रेडी। गैस बंद कर देते हैं। और ये हमारा सांभर बन के रेडी है। ये पतला भी नहीं है, एकदम गाढ़ा भी नहीं है। और ये हमारा सांभर बनके रेडी है। तो दोस्तों, हमारी सांभर की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।